क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा? सो डेट एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 5 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो ये बोला कि मतलब एक्स इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 5 इन दोनों पेयर ऑफ जो ये दोनों इक्वेशन इनका सॉल्यूशन नहीं है। देखो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर मान लो एक्स इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 5 इसका सॉल्यूशन नहीं है तो इन दोनों इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगे। देखो इक्वेशन क्या है अपने पास, x माइनस 3y इक्वल टू 1, ठीक है। एक तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड क्या है 2x प्लस y इक्वल टू 11, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं बताने के लिए कि x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5 इसका सॉल्यूशन नहीं है, हम इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो सॉल्यूशन नहीं है, और सेटिस्फाई कर जाएगी तो सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 4 माइनस 3y, 3 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगी 4, 3 इंटू 5 कितना होता है 15, माइनस 15 इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 11, तो डेट इज नॉट इक्वल टू 1, माइनस 11 बन के इक्वल होता नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखिए, वैसे एक में देख लिया उससे ही पता पड़ गया कि इनका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, फिर भी हम सेकंड में रख के देख लेते हैं। पुट एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो अगर हम x की जगह 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 इक्वल टू 11, 8 प्लस 5 कितना होता है, 8 प्लस 5 होता है 13, तो डेट इज नॉट इक्वल टू 11। सो हैंस तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हैंस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो ऊपर की बनती है। ओके okay।